तो क्या आप समझ पाए हो ये कमरा कौन सा है? अरे कॉर्नर पे सबको बस पापा पापा लगता था। का जो रंग था वो पहले गुलाबी था, हम अपने पैसे से करने की कोशिश कर दी थी। इसका मुझे था इंतजार। वो घड़ी आ गई, आ गई है। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज की वीडियो शायद आज तक की सबसे रिक्वेस्टेड वीडियो है। ये वीडियो सिर्फ मेरे पुराने घर को लेके नहीं, ये वीडियो में हमारी फैमिली की जो नया घर है उसको लेके भी है। होम टूर की रिक्वेस्ट आज से नहीं, पिछले 2-3 साल से आ रहा है, और अभी जब कर रही हूँ तो ये मेरे लिए शायद सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ होने वाला है, क्योंकि ये जो पुराना घर आप देख रहे हो हमारे, यहाँ पर मैं आज से नहीं, परसों से नहीं, जब क्लास 6 में जब मैं पढ़ती थी तब मैं इस घर में आई थी। उसके बाद से आई पास माई कॉलेज, आई डिड माई मास्टर्स, आई वर्कड इन कॉर्पोरेट फॉर 7 ईयर्स, एंड आई स्टार्टेड यूट्यूब। मेरा लव हुआ, ब्रेकअप हुआ, हर अप्स एंड डाउन्स इसी घर में हुआ है। तो इस घर में इतना ज़्यादा यादें हैं ना, इतना ज़्यादा यादें हैं जो शायद एक वीडियो के लिए इनाफ नहीं है। ऊपर से मेरी पापा से जुड़ी हर चीज़ इस घर में है। तो दिस वीडियो इज़ प्रोबेबली द मोस्ट डिफिकल्ट वीडियो ऑफ माई लाइफ। मैं अभी से ही पता है इमोशनल हो रही हूँ, मुझे पता नहीं मैं इतना बातें, मैं और ज़्यादा बात नहीं करूँगी, ज़्यादा रुलाओ नहीं, आपको हंसाओ, ठीक है? तो आइए अंदर चलते हैं और मिलते हैं घर के अंदर, देखते रहिए। तो गाइस ये जो मेरा घर है ना, इस घर में 2 एंट्रेंस है, एक है मेरे रूम से और एक थी पापा के रूम से जो अभी लॉक्ड है। हम लोग घर के अंदर घुस चुके हैं और क्या आप पहचान सकते हो ये कौन सा वाला रूम है? ओ आमार डिम परोटा, ओ आमार डिम परोटा। बढ़ चुका है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं घर पे ट्रिम कर देती हूँ। पहली बार वही कमरा है जहाँ पर सालों से, महीनों से बैठ बैठ के मैं ना जाने कितना वीडियो बनाई हूँ। वो बैकग्राउंड जिसे आप हद से ज़्यादा मिस कर रहे हो, मुझे पता है आपको लग रहा है कि ये सफ़ेद कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पर रेनोवेशन हुआ है तो सफ़ेद हो गया है। पर अगर आप ऊपर की एसी का वो जगह देखोगे तो आप देखोगे वो अभी भी गुलाबी है, बिल्कुल गुलाबी बाई जाए आके रहेंगे भी, क्योंकि इस घर में भी काफ़ी सारा सामान है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये घर हम सब के, मेरी मम्मी या मेरी भाई, हम सब के लिए इतना ज़्यादा क्लोज टू हार्ट है कि पूरी तरीके से इस घर से जुदा हो ना पाना इज नॉट पॉसिबल फॉर अस, क्योंकि इस घर में ना पापा की याद जो है ना भरा हुआ है, बिल्कुल भरा हुआ है। जब पापा इनिशियली चले गए थे तो इस घर पे रहना सबसे ज़्यादा मुश्किल था मम्मी के लिए, मेरे लिए, भाई के लिए, सबके लिए, क्योंकि हर एक कॉर्नर पे सबको बस पापा पापा लगता था। अपने पैसे से करती थी ना, जो भी करती थी एट द टाइम अपने पैसे से करने की कोशिश करती थी, तो इसीलिए जो भी मैं अफोर्ड कर पाई तो चूना वाला पिंक कलर ही लगवा दिया था। तो इसीलिए कई जगह थे जहाँ पर पिंक कलर हट गए थे, नीचे से सीमेंट दिखता था, वहीं पर बैकग्राउंड लगा के, कुछ ना कुछ लगा के आई यूज टू मैनेज कर लगा के रखे है मैंने। देखो देखो, टूटा फूटा स्विच बोर्ड, ये सब स्विच बोर्ड ना आप तब देखोगे जब आप दादाजी के टाइम पे चले जाओगे। तो का लिविंग रूम था जहाँ पर डाइनिंग टेबल वगैरह था। अभी एक बहुत ही बड़ा चेंज हुआ है, वो है ये किचन, बाथरूम को पूरा रेनोवेट किया गया है। ये बिल्कुल पहले ऐसे नहीं था, ये अलग से किचन था और इस पूरे फ्लैट में एक ही बाथरूम था, पर अभी जो है तोड़ के 2 बाथरूम बना दिया गया है। 2 मेन कमरे में, एक है मास्टर बेडरूम और एक है पापा वाला कमरा जिसमें हम लोग लास्ट में जाएंगे, क्योंकि मुझे पता नहीं वहाँ पर जाके मैं कैसे इमोशनली रिएक्ट करूँगी। तो दिस इज द बिगेस्ट रूम ऑफ दिस फ्लैट, ये बहुत ही बड़ा ह्यूज एक रूम है। आप बालकनी है, आप कई बार देख चुके हो, अब बालकनी का अवस्था बहुत ही ज़्यादा ढीला ढाला है।
दिस इज अ प्लेस जहां पर कितना बार मैंने शूट किया है, द फाइनल रूम ऑफ दिस प्लेस एंड द मोस्ट नॉस्टैल्जिक वन दैट इज माई डैड्स रूम. तो मेरे पापा बेसिकली इसी कमरे में रहते थे एंड ये जो खिड़की आप देख रहे हो, इसी खिड़की को मैं आपको बाहर से दिखाई थी. यहाँ पर बेड था पापा का, अभी शोकेस रखा है. तो इस चेयर को आज हम लोग लेके जाएंगे, वो लोग वरांदा में रखने वाले हैं, क्योंकि ये चेयर में पापा जिंदगी भर बैठ के ही हैज़ लुक्ड आफ्टर पेशेंट्स. द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट जहाँ पर मैं खड़ी हूँ, देख रहे हो ना फ्रंट में, यहाँ पर पापा का बेड हुआ करता था. दिस इज माई डैड एंड ही लुक्स वेरी सीरियस. और यहाँ पर घंटों पापा बैठ के पेशेंस खेलते थे. पापा को कार्ड से पेशेंस खेलना बहुत ज्यादा पसंद था. ही यूज्ड टू प्ले हियर पेशेंस फॉर आवर्स. और यही जो खिड़की है जहां पर मैंने अभी कैमरा लगाया है, इसी खिड़की के ऊपर मोबाइल रख के साथ में मेरी जो वीडियोस है ना वो देखते रहते थे, एक के बाद एक वीडियोस देखते रहते थे. दिस वॉज अ कम्प्लीट जर्नी फॉर मी एंड यू बोथ, और मेरे पापा के लिए भी, क्योंकि इसी जर्नी को करते करते कहीं ना कहीं मेरे पापा और मैं कब इतने अच्छे दोस्त बने, वी नेवर नो. ये मैदान बहुत ही अच्छा था यार. इस मैदान के सामने मैंने टेंट वाली वीडियो किया है, गाड़ी वाला वीडियो किया है, वो आगे का रास्ता में. मैं इसलिए मानती हूँ कि मेरे लिए भगवान का ब्लेसिंग है कि मैंने ऐसे फैमिली पे मैं पैदा हुई हूँ हु हैव नेवर फोर्स्ड मी टू डू एनीथिंग, जिन्होंने मुझसे कुछ नहीं मांगा, सिर्फ प्यार दिया है. दिन ना बहुत ज़्यादा इमोशनल और वियर्ड था, मतलब थोड़ा मिक्स्ड फीलिंग था. एक बापी अगर होता तो शायद ऐसा फील नहीं होता, पर क्योंकि बापी नहीं है इसलिए ऐसा फील हो रहा है. पर मैं अभी सोच रही हूँ थोड़ा सा स्किन केयर करूँगी, क्योंकि जब भी मेरा मूड ऑफ होता है ना, आई एक्चुअली डू सेल्फ पैम्परिंग, क्योंकि मुझे लगता है स्किन केयर से ना आपके माइंड, आपके थॉट्स बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है. धूप में इतना देर रहने की वजह से मेरा स्किन बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुका है गाइस. तो सबसे पहले मूड को रिफ्रेश करूँगी, फिर नया घर का टूर कराऊँगी. टुडे आई विल यूज़ मामाअर्थ की ये टी ट्री फेस वॉश, और मुझे ये फेस वॉश बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली फॉर समर, क्योंकि ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा कूल डाउन करता है. इसके अंदर है टी ट्री ऑयल और नीम की गुण, जिसमें एंटी इंफ्लेमेटरी एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टीज है. ये एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करता है, पोर्स को क्लियर रखता है एंड साथ ही में एक्ने अटैक के साथ फाइट करता है. इसके अंदर है एलोवेरा की गुडनेस, जो स्किन को सूथ करता है, साथ ही में काम्स डाउन रेडनेस, स्वेलिंग एंड एनी काइंड ऑफ इन्फ्लेमेशन. आप देख सकते हो स्किन को इसके साथ वॉश करने के बाद ही मेरी स्किन कितना ज़्यादा सपल और हाइड्रेटेड लग रहा है. साथ ही में गाइज मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे आप जानते हो मामाअर्थ में कुछ भी ऑर्डर करने से मामाअर्थ आपके ऑर्डर को लिंक करता है एक ट्री के साथ. सो मामाअर्थ हैव रिसेंटली शेयर्ड देयर गुडनेस, जहां पर वी कैन सी दैट मामाअर्थ हैज प्लांटेड 1,00,000 ट्रीज और साथ ही में 1,135 मेट्रिक टोन्स ऑफ प्लास्टिक को भी रिसाइकल किया है. और इस पैंडेमिक सिचुएशन में मामाअर्थ हैज डिस्ट्रीब्यूटेड 50,000 सैनिटाइजर एंड 20,000 क्लोथ मास्क टू कोविड हीरोज एज अ ब्रांड. आई फील दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव.
लिव। और साथ ही में गाइस, मामाअर्थ हैज रिसेंटली लॉन्च्ड देयर ऑफिशियल ऐप, तो आप उस ऐप को जरूर ट्राई करना, क्योंकि उसमें आपको मिल जाएगा अर्ली एक्सेस टू सेल, जिससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगी। अगर आप इस फेस वॉश को ट्राई करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, जरूर मेरी यूनिक कोड इनफाइनाइट 2021 को इस्तेमाल करें मामाअर्थ की वेबसाइट में, इससे आपको काफी सस्ता पड़ेगा। जब आप प्रोडक्ट ट्राई करोगे मेरे साथ जरूर शेयर करें कि कैसा लगा आपको ये प्रोडक्ट। दिस प्रोडक्ट इज डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड एंड फ्री फ्रॉम टॉक्सिन, हार्मफुल केमिकल्स, पैराबेंस एंड मिनरल ऑयल्स। चुके हैं हमारी फैमिली के नए घर में और लकी हमारा स्वागत कर रहा है। सबसे पहले बताओ गाइस, हम लोगों का 2 BHK अपार्टमेंट है, 2 बेडरूम है, 1 किचन है, 1 लिविंग रूम है और 2 बाथरूम है, 1 मास्टर बाथरूम है और 1 अटैच बाथरूम है। तो ये हम लोगों का एंट्रेंस है, मैं आपको चीज़ें वगैरह अलग से दिखाऊंगी। सबसे पहले दिखाना चाहती हूँ ये ब्यूटीफुल की होल्डर को। इसको एक्चुअली मेरी एक इनफाइनाइट फैमिली ने गिफ्ट किया था, ज्योति के पास भेजा था मुझे देने के लिए, उनका नाम रुमेला है। थैंक यू रुमेला फॉर दिस वंडरफुल गिफ्ट। और यहाँ पर जो है आप सारे आर्टिफैक्ट्स को देख सकते हो। ये जो वॉल आप देख रहे हो जिसमें टर्कोइज कलर किया गया है, ये हमारा लिविंग रूम का मास्टर वॉल है और ये वॉल मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। यहाँ पर जो भी आप डेकोरेट का सामान देखोगे ना, वो सब सामान को मैंने चुन चुन के खरीद के आके लगाई हूँ। सबसे पहले कॉर्नर पे मैं आपको पापा की वो पेंटिंग दिखा रही हूँ जो पापा को मिला था गिफ्ट के तौर पे। फिर उसके बगल में है दी फेमस मेरा चीता का पेंटिंग, जिससे प्रमाण होता है कि चीता भी पीता है। आई एम सॉरी, मम्मी को ये चीता वाला पेंटिंग बहुत अच्छा लगा था इसलिए मैंने होम सेंटर से ले लिया था। इधर पे ये छोटा सा शेल्फ है जिसमें काम का कोई सामान नहीं रहता है, सिर्फ सजावट का सामान रहता है, जिनको चुन चुन के मैंने होम सेंटर और कुछ अग्रम वाइज दुकान से लिया है। नीचे में है ये, अभी मैं आपको दिखा रही हूँ ये बुद्धा का फाउंटेन जिससे पानी निकलता है, जिस पानी से आप चाहो तो मुंह दांत कुल्ली हर चीज कर सकते हो। मैं है ये वास, ये सारा चीज को मैंने होम सेंटर से लिया है। ये है ब्यूटीफुल वाला एक शैंडलियर जिसको पर्सनली मैंने चॉइस किया था और मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये लाइट जो है ना रूम को एक बहुत ही खूबसूरत सा एस्थेटिक वाइब देता है। अभी मैं आपको रूम की जो फर्नीचर है उसके बारे में एक छोटा सा बात बताना चाहूंगी। आप देखोगे पूरे रूम में ब्राउन कलर की थीम है एंड ग्लास वाली फर्नीचर है, क्योंकि मैं ग्लास और ब्राउन कलर की थीम रखना चाहती थी लिविंग एरिया में, बिकॉज इट जस्ट गिव्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एस्थेटिक वाइब और बहुत ही ट्रेडिशनल लुक भी देता है, विच इज वेरी होमली एंड कंफर्टेबल। दीवार पे नजर डालोगे तो आपको दिखेगा कि दीवार पे बहुत सारे पेंटिंग्स है, बहुत सारे पोर्ट्रेट्स है, एंड द रीजन आई केप्ट इट लाइक दैट क्योंकि मुझे पेंटिंग्स और पोर्ट्रेट्स बहुत अच्छा लगता है एंड आई फील दैट इट गिव्स अ वेरी क्लासी लुक टू द ओवरऑल प्रेजेंस ऑफ द रूम। और ये जो छोटो मोटो सा बच्चा दिख रहा है, इनमें से एक मेरा भाई है, एक मैं हूं। कौन सा मैं हूं क्या आप बता सकते हो? बताओ बताओ, नीचे कमेंट कर रो। और मैं आपको यहां से एक आंख दिखा रही हूं तो दोनों आंख किसी दूसरे का देख लीजिएगा, नहीं तो आपको मम्मी से मार पड़ेगा। जगह हर घर का जो कि है बाथरूम, तो लेफ्ट साइड में मास्टर बाथरूम है, इधर पे है वॉशिंग मशीन, पीछे में फ्लोरल सब पर्दे के पीछे है मम्मी का रूम जिसमें हम लोग बाद में जाएंगे, और ये है बाथरूम की वो बड़ा सा मिरर जिसको मैंने होम सेंटर से लिया है। मैं इस तरीके से क्यों बात कर रही हूँ मुझे पता नहीं है, तो मैं अभी नॉर्मल तरीके में वापस आ जाती हूँ इससे पहले कि आप टमाटर फेंको। तो बाथरूम के राइट साइड में आप देख सकते हो 2 और रूम है, एक मम्मी का कमरा, दूसरा किचन है। किचन की जो मॉड्यूलर किचन यहाँ पर बनाया गया है बाई इंटीरियर डिज़ाइनर, और जो किचन की जो थीम है बिल्कुल चेरी और वाइट पे है, पर दीवार का रंग थोड़ा सा कोरल ऑरेंज रखा गया है क्योंकि जब भी मैं शूट करती हूँ इट इज़ गोना मेक इट लुक वेरी वेरी ब्राइट। किचन के डिटेल्स में मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि अभी यहाँ पर दाल बन रहा है, पर
लगभग थोड़ा बहुत आइडिया आपको हो चुका है। अगर किसी दिन मैं किचन ऑर्गेनाइजेशन या किचन लेके कोई वीडियो बनाऊंगी तो मेरी बंगाली चैनल में ज़रूर मैं शेयर करूंगी। तब तक के लिए अलविदा किचन से। अभी मैं आपको लेके आई हूँ मम्मी के रूम में। मम्मी के रूम में सबसे पहले आपको दिख रहा है ये अटैच बाथरूम है, जो दिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मम्मी के जो रूम की वाइब है ना, बहुत ही ज़्यादा फ्लोरल है, कलरफुल है, क्योंकि मेरी मम्मी का दिमाग बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो मैंने मम्मी को कहा था कि फ्लोरल और कलरफुल वाइब रखते हैं। तो एक दीवार पे है ये ब्यूटीफुल पिंक कलर, और बगल में अलमारी वगैरह स्टोरेज वगैरह रखा हुआ है। मम्मी के रूम में बाकी जो वॉल है उस पर लाइट ग्रीन कलर बनवाया गया है, और ऊपर में काफ़ी सारे स्टोरेज एरिया है। कियो को देखो, और गुल्लू। तो गाइस होम टूर तो हो चुका है। तो गाइस फाइनली आज को वीडियो मैं एंड कर रही हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। जो भी शेयर किया आपने दिल से शेयर किया, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस बहुत ही अच्छे से रहिए, टेक केयर, बाय, गुड नाइट।